हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे सर्वाइकल के पेन को, गर्दन में कहीं दर्द हो गया है उसका कैसे उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल क्या है। आजकल जो सिनेरियो हो गया है उसमें थोड़ा सा नेक में पेन होता है, स्टिफनेस होती है, लोग ये मान लेते हैं उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है और टेंशन में आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में और नेक पेन में दिन रात का अंतर है। सर्वाइकल बेसिकली हमारी नेक की बैक साइड में 7 वर्टिब्रा, जी हाँ, इन 7 वर्टिब्रा के कॉम्बिनेशन को एक्चुअली सर्वाइकल कहते हैं। इनमें जब गैप आ जाता है तो सर्वाइकल पेन होता है। सबसे पहली गलत फहमी जो लोगों में होती है वो है नेक स्टिफनेस को लेकर, जिसमें हमारी गर्दन अकड़ जाती है, उससे नेक के मूवमेंट करते वक्त पेन होता है। कई लोग बैठते वक्त, टीवी देखते वक्त, सोते वक्त एक से ज्यादा पिलोज यूज करते हैं। आजकल की भागती दौड़ती लाइफ में हमारे गलत उठने बैठने के पोस्चर से, गलत सोने के पोस्चर से, कंप्यूटर पर देर तक गर्दन झुकाकर काम करने से, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल से। गर्दन झुकाकर घंटों मोबाइल पर गेम खेलने से, वीडियो देखने से बच्चे भी इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। और लोग तुरंत ये मान लेते हैं कि उनको सर्वाइकल पेन हो रहा है, जबकि इसे नेक स्पाज्म कहते हैं। जब गलत पोस्चर की वजह से हम मसल्स को खींचते हैं तो मसल्स भी उसके रिस्पॉन्स में बचाव करती हैं और वो अकड़ जाती है। तो अगर आपको पेन हो रहा है तो मालिश के नाम पर मसल्स को खींचे नहीं, प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लें। सेकेंड गलत फहमी जो अक्सर सर्वाइकल को लेकर होती है वो है रेडिएटिंग पेन। कई बार दर्द गर्दन से होकर हाथों में आ जाता है। ये सर्वाइकल हो सकता है, पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये सर्वाइकल ही हो। मसल स्पाज्म होने की वजह से कई बार नस दब जाती है और पेन रेडिएट होकर हाथों में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एक्यूप्रेशर के थ्रू कैसे बिल्कुल सरल और सहज तरीके से घर बैठे आप उसका उपचार कर सकते हैं। हम लगाएंगे सर्वाइकल सादृश्य पर मेथी की पट्टी। ये देखिए, हमारे थंब के बैक साइड का ये वाला पार्ट, थंब के फर्स्ट जॉइंट जहां हमारा थंब मुड़ता है, उसके नीचे वाला एरिया दर्शाता है हमारे सर्वाइकल एरिया के वर्टिब्रा को। अब इस एरिया को हम कवर करेंगे मेथी दानों की पट्टी से। इसके लिए हम लेंगे 1 इंच चौड़ी पेपर टेप और मेथी दानों को इस प्रकार अरेंज करेंगे और उसके ऊपर पेपर टेप चिपकाकर हमारी मेथी दानों की पट्टी तैयार हो जाएगी। और अब हम इसे लगाएंगे सर्वाइकल एरिया के कॉरेस्पॉन्डेंस। इसे बीच बीच में हर आधे घंटे, 1 घंटे के अंतराल पर प्रेस करते रहिए, स्टिमुलेट कीजिए। चाहे तो इसे रात को लगाकर सो जाएं और सुबह निकालकर फेंक दें। इसे आपको 7-8 घंटे लगाना है, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और ऐसी ही उपयोगी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।